हेलो गाइस, ये देखो ये मैंने बनाए हैं आलू मटर की सब्जी और चावल। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई विश कि आप सब भी ठीक होंगे। तो गाइस, मैं हूँ प्रीति और स्वागत करती हूँ आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग रहेगा घूमने वाला। आज आपको एक नई जगह पे ले जा रही हूँ, वहाँ पे हम लोग सत्संग में जा रहे हैं और एक लड़की और होगी मेरे साथ, जिसको आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग में भी देखा है, किरण। तो वो मुझे ऊपर मिलेगी बस स्टैंड पे, तो वहाँ से उसको पिक करना है, फिर आपको साथ साथ ले जाते हैं और वहाँ का व्यू भी दिखाएंगे। शायद आपने किसी ने देखा होगा, ये राजगढ़ रोड पर जाना है हमने, सोल यूनिवर्सिटी के पास। तो चलो फिर देरी ना करते हुए करते हैं ब्लॉग की शुरू। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं जा रही हूँ झुंडुकता। आप देख ही सकते हैं बाहर लगी है बारिश। अभी बताती हूँ। हेलो गाइस, देखिए सुबह के बज चुके हैं 11, लेकिन मौसम अभी भी वैसा का वैसा। देखिए पीछे से, अभी मैं आ गई हूँ कंप्यूटर से, अब जा रही हूँ मैं घर। और मैंने सोचा आपसे भी बात करती हुई चलती हूँ घर। दे मुगरा के दिखाई दे रही है, चला दे आवाज हो गया। इसका गोंद मिला, ये क्या क्या किस काम आता? मुझे ये गोंद काम नहीं आता, टेस्ट के लिए होता है, बाकी इससे दांत दांत सब पक्के पक्के रहे। पक्के दिखाइयो गाइस को भी दिखा दे, ऐसा होता है। और ये क्या बोलते हैं इसको, वो जिसकी वो बनते कत्था। अच्छा कत्था, कत्था बनता है वो पेड़ क्या बोलते हैं वही पेड़ क्या जा रही हूँ बकरियों के लिए घास लाने। तो आप व्यू देख सकते हैं, बट यहाँ तो पेट्रोल पंप क्लोज है। बाकी देखते हैं आगे नीचे जहाँ पर सत्संग में जा रहे हैं वहाँ पे डलवा लेंगे पेट्रोल। तो आग हो चुके हैं बहुत ज़्यादा ठंडे, तब हमने यहाँ पे एक रेडी सी है वहाँ पे आग सेकी थोड़ी सी और हाथ गर्म किए। मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखो किरण जी खड़े हैं जहाँ यहाँ पे जलाई आग, और कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ का। गाइस ये है बकरियों के लिए घास, अभी मैं इसको उठा के घर तक ले जाऊंगी, तब तक आप व्यू देख सकते हैं। अच्छा थोड़ी
गाइस गाइस ब्लॉगिंग हाँ हाँ अच्छा तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और हाथ जो है वो बस जवाब दे गए, इतनी ठंड है। सो अभी आपसे फिर संगत के बाद मिलते हैं। ये देखो हमारी प्यारी टमाटर होते हैं लाल रंग के सब्जी, तो ठीक है फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आप। बकरियाँ देख रही हैं, ये पहुँचा दी मैंने घास अभी दिखाती हूँ। हेलो गाइस, ये देखो ये मैंने बनाए हैं आलू मटर की सब्जी और चावल। तो गाइस आप देख सकते हैं कि बारिश लगी है तो हल्की फुल्की, पर जब बारिश रुकेगी तभी लग जाएगी। मिलते हैं आपसे थोड़ी बाद। हम खा रहे चावल और आलू मटर की सब्जी और इसको बहुत ज्यादा हंसी आ रही है मुझ पर, है ना? यस बुलबुल मेरे को भी अब ब्लॉग शूट करने आ गया। आ गया कैमरा नहीं आया अभी भी पकड़ा। अच्छा कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो हम आपको खाने का टेस्ट बताते हैं कैसा बना। कैसा बना गंजू, मैंने खाना कैसा बनाया? मैंने बनाया जिस दिन तक जिस दिन तो तू बनाएगी उस दिन तो पता नहीं कहाँ से दुनिया आएगी। पागल है ना, पागल है। हाँ बोल, हाँ बोल। चल गाइस हमने रील्स भी बनाई यहाँ पर, मेरे ही ही आ गए। गाइस हमने ना रील्स बनाई है यहाँ पर। सो एक मिनट में ये कट कर देना जो ऐसे होता है ना जो था ऐसे लगा हुआ। तो गाइस हमने रील्स भी बनाई है, प्लीज इंस्टा पर हमारी रील्स को भी ढेर सारा प्यार देना। हमारे को आती तो ठीक नहीं बनाने, बस ऐसे बना दी जैसे कैसे भी बना दी, ठीक है? है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। मैं बोलती हूं देखो मैं आपको डॉगी की आवाज निकाल के दिखाऊं। ले मंजू पकड़। गाइस ये मेरे को बोली बोली देख ली जानवर की आवाज। आपको पता ही है कि डॉगी जितने भी जानवर है सबको मैं, मेरे को मतलब सबसे बहुत 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 प्यार है, पता नहीं क्यों बचपन से बहुत प्यार है मुझे। वैसे तो ऐसा नहीं है कि कुछ इंसानों से भी है, बाकी इंसान जो होते हैं ना कि जो दिलों में नफरत भर के रखते वो बस वो पसंद नहीं है। सबके लिए दिलों में प्यार रखो, यही मेरा कहना है आपसे, है ना गंजू? किसी से नफरत ना करो यार, क्या ले जाना दुनिया से,
नफरत करके, है ना? क्यों गंजे? देखो मैं आपको सांप के घर दिखाती हूँ, ये देखो दिख रहे कितने बढ़िया है, निकल जाएगा, निकल निकल भी ना जाए। हम लोग अभी अभी सत्संग से आके पहुंचे थे, ठंड लग रही थी बहुत क्योंकि रास्ते में ना बारिश लगी थी बहुत ज्यादा, तो आपको पता है कि बारिश में थोड़े कपड़े भी गीले हो गए। वैसे तो मजा आया भीगने का, लेकिन सर्दियों की बारिश में थोड़ा सा डर लगता है कि कोल्ड वगैरह हो जाता है या फिर फीवर वगैरह हो जाता है। तो भाई ने जूस बना के रख दिया, बोलते पी ले। पता है कहते 3 बजे इतना ज्यादा अंधेरा हो गया था, ऐसे लग रहा था कि जैसे शाम का वक्त हो गया है, इतने ज्यादा बादल और बारिश हुई। तो फिर मैं अब जूस पी लेती हूं, बस थोड़ी देर में बस आएगी और मैं बस मिल जाऊंगी। इनके बाहर बहुत सारी बारिश लग रही है तो देखते हैं। आप लोग भी डेली पूरी सर्दी ये जूस पीजिए और खून बढ़ाइए। और इसमें है क्या बोलते हैं, एप्पल और संतरे और चुकंदर, गाजर और क्या काले वाले अंगूर, वो सारे चीजों का जूस है। जूस तैयार है, भाई तो पी गया एक ग्लास, अब ये मेरा है। ये निकल नहीं रहा अनु से, अब देखना अनु कैसे करेगा। ये देखिए गाइस, ये देखिए कैसे चिपक गया है। आप भी ऐसे खा सकते हो, ये देखिए इसकी मेहनत कितना बड़ा पहल है। गाइस इनको छोटे बच्चों की तरह जैसे कि बड़ी ये वीडियो में कर रही है ऐसा, ऑफ कैमरा ना ऑफ कैमरा कोई ख्याल व्याल नहीं रखती है मेरा, ऑफ ऑन कैमरा कर रही है ताकि इसको प्रशंसा मिले। वाओ मंजू कितनी केयरिंग है। हाँ और आप कितने बुरे हो। यहाँ नीचे का दिखाओ, अब दिखाओ तो दिया पानी, पानी क्या दिखाना, पानी देखो कितना अच्छा लगेगा। हाँ तो वहाँ को तो जाए, ये पक्षी भी हमारे साथ साथ चल जाएंगे, ऐसे चलते तो आप साइड में चलो, आपको डर। हाँ तो मैं साइड में हूँ। ये जो गाइस मैं आप मम्मी और भाई ने मस्त आग जला दी है, रोज हम शाम को बैठ के रोज हम शाम को 5 बजे आग जला देते हैं और फिर सेकते हैं काफी देर देर तक, अच्छा लगता है। तो मस्त जैसी आग हम लोग सेक के फिर खाना खा के फिर सो जाते हैं। क्या बोल, कुछ नहीं बोलना तो बोलो कुछ। नहीं मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ, मैं तो बोल रही हूँ कि आग सेको सब। तो गाइस हमारे यहाँ पे ना काफी ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है, मतलब हमारे यहाँ पे सुबह के टाइम तो होता है मेरे ख्याल से 4 होता है और दिन के टाइम हो जाता है मेरे ख्याल से 8-9 बस इतना ही रहता है, इतनी ज्यादा ठंड है सोच लो। तो ये देखिए ऊपर सड़क का व्यू इस तरह का है और ये सामने भाई का ऑफिस है और ये हमारे सामने पर्वत है जहाँ पे सूर्य देव छुप गए। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और कमेंट तो जरूरी करना है, शेयर भी जरूरी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज 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 आपसे मेरी दिल से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं ताकि हम मोटिवेट होते रहें और वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमारी जिंदगी है। तो ठीक है गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, और आप लोग भी हमेशा खुश रहें, यही मेरी दिल से दुआ है।